हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो आज जो है अपन देखने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर का सिलेबस, ठीक है। बीएससी सेकंड ईयर का सिलेबस, ठीक है। और सबसे पहले तो उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, या बहुत बहुत जो है कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा मैं, जिन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर अपने यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ली और बिल्कुल फ्री में आपको मैंने दी, ठीक है। सेकंड ईयर वाले जितने भी विद्यार्थी अपने चैनल के ऑलरेडी पहले के स्टूडेंट हैं उनके सामने बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में आपको मैंने सुपर सीरीज दी, उसमें से एक बार ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पेपर में वहाँ से कितना मिला था और कितना नहीं मिला, ठीक है। मैंने भी एक वीडियो डाली थी कि देखो अपन ने जो बताए थे वहाँ से कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पुटअप हुए हैं, ठीक है। और आप भी एक बार अपने मुँह से बताना। और फर्स्ट ईयर आपने जो है कंप्लीट कर लिया है, अभी आप आ चुके हैं सेकेंड ईयर में और वही अपना पहले की तरह सिस्टम अब चलेगा। सेकेंड ईयर में आपकी जो है क्लासेज करवाई जाएंगी, टेस्ट सीरीज आपके जो है यहाँ पर लाए जाएंगे। और अब आपको फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब जो है अपने यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन का ऐप आ चुका है और वो ऐप जल्द ही प्ले स्टोर पर आ जाएगा। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना और उसमें बीएससी सेकेंड ईयर का पर्सनली आपको सुपर सीरीज वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। तो आइए आज अपन बीएससी सेकंड ईयर का सिलेबस देखते हैं। आप सभी को पता है सेकंड ईयर का सिलेबस आपका जो है पहले की तरह है, बदला जो है अभी किसका है, फर्स्ट ईयर का बदला है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अभी एडमिशन ले रहे हैं ना, उनका जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सिलेबस आया है। आपका सिलेबस जो 2022-23 के अंदर था वही 2024-25 के अंदर रहेगा सेकेंड ईयर का, ध्यान रखना। तो आज अपन बात करते हैं, आपके तीन सब्जेक्ट चलते हैं, ठीक है। कौन कौन से, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। नेक्स्ट आपकी चलती है जूलॉजी और यहां पर मैथ वालों के यहां पर चल जाती है फिजिक्स, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बोटनी, और मैथ वालों की चल जाती है मैथ, ठीक। अब यहां पर मैं बात करूं केमिस्ट्री के अंदर वही आपके तीन पेपर रहेंगे जैसा कि आपके फर्स्ट ईयर में था। एक तो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपके तीन पेपर रहेंगे, जो कि आपका फर्स्ट पेपर हो गया, ये सेकंड पेपर हो गया और ये थर्ड पेपर हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। जूलॉजी के अंदर भी आपके वही पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपके जो है पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बोटनी के अंदर भी इसी अनुसार, बीएससी सेकंड ईयर वालों की इतनी दिक्कत नहीं है सिलेबस को समझने में, बीएससी सेकंड ईयर में वो जो फर्स्ट ईयर में थे वही सेम सिस्टम है। बोटनी के अंदर भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन पेपर होंगे। अब अपन बात करें कि केमिस्ट्री के अंदर आपका जो फर्स्ट पेपर होगा इसके अंदर आपको कितना पढ़ना होगा, तो इसके अंदर आपके वही चार यूनिट हैं और किसी किसी में पांच भी यूनिट हैं, ठीक है, पांच यूनिट होगी शायद, पांच यूनिट हैं। और यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पांच यूनिट हैं, यहाँ पर भी पांच यूनिट है, ठीक है। इधर आपके तीन सेक्शन चलते हैं, तीन तीन सेक्शन चलेंगे, ध्यान रखना। इनमें यूनिट का, इसमें यूनिट है, फिर बोटनी में आपके यूनिट है, चार चार यूनिट, ठीक है। जूलॉजी के अंदर सेक्शन चलता है, बाकी केमिस्ट्री और बोटनी के अंदर आपके यूनिट चलती है। तो केमिस्ट्री के अंदर पाँच पाँच यूनिट होती है, बोटनी के अंदर चार चार यूनिट होती है, ध्यान रखना। अब अपन केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जानेंगे सबसे पहले कि केमिस्ट्री का फुल सिलेबस क्या है।
फिर अपन देखेंगे जूलॉजी के सिलेबस के बारे में कि जूलॉजी का फुल सिलेबस क्या है, और फिर अपन देखेंगे बॉटनी के सिलेबस के बारे में कि बॉटनी का फुल सिलेबस आपका क्या है। ध्यान रखना, तो केमिस्ट्री का आपका जो है पूरा सिलेबस क्या है ये अपन इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर में साथ दिया था उसी टाइप से सेकंड ईयर में देना है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को यहाँ पर जोड़ने हैं। तो आपका सिलेबस जो है मैं बता दूँ आपको, इस बार कुछ टॉपिक जो हैं आपके अठ भी सकते हैं और कुछ जुड़ भी सकते हैं, तो वो इसके अंदर अपन देखेंगे। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पर देखिए, केमिस्ट्री में आपके 5-5 यूनिट हैं, और फर्स्ट यूनिट में जो है आपको क्या क्या देखना है। जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में संक्रमण से संबंधित अपन को पढ़ना है। ध्यान रखना, संक्रमण से संबंधित पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही अभिक्रिया रिएक्शन वही चलेगा जो फर्स्ट ईयर में था, ठीक है, ध्यान रखना। फिजिकल केमिस्ट्री में भी वही फर्स्ट ईयर की तरह थोड़ा सा उसको डेवलप किया गया, तो केमिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कत नहीं। यहाँ पर जूलॉजी की मैं बात करूँ तो जूलॉजी का फर्स्ट पेपर आपका होता है मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान रखना, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी जूलॉजी का नहीं, बॉटनी का है। बॉटनी का फर्स्ट पेपर बताया मैंने मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये बॉटनी के अंदर फर्स्ट है मोलिकुलर, सेकंड है प्लांट के बारे में, ठीक है। सेकंड यूनिट में प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, और थर्ड यूनिट आपकी कौन सी है यहाँ पर, जिम्नोस्पर्म वगैरह इनके बारे में देखना है पादपों में, ठीक। बात करें जूलॉजी के अंदर, जूलॉजी में आपके जो है एक तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनवर्टाइबल, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है ये, और इसके ऊपर देखेंगे। नेक्स्ट देखिए एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री आपके सेकंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका इम्यूनोलॉजी माइक्रोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी थर्ड, आपके तीन तीन पेपर हैं। तो सेकंड ईयर वालों को मैं इतना खास तरीके से नहीं बता रहा सिलेबस को, क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री का पर्सनल फुल सिलेबस देना चाहता हूँ, जूलॉजी का पर्सनल फुल सिलेबस देना चाहता हूँ, और बॉटनी का पर्सनल फुल सिलेबस देना चाहता हूँ। इस वजह से आपका बेसिक सिलेबस ये है कि केमिस्ट्री जूलॉजी और बॉटनी रहेगा, हिंदी इंग्लिश का हुआ काम खत्म। हिंदी इंग्लिश नहीं होगा, ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर में ही चलता है। फर्स्ट ईयर में जिसने हिंदी और इंग्लिश का पेपर क्लियर कर लिया उसका जो है छूट गया पीछा हिंदी इंग्लिश से। अभी आपके तीन इंपॉर्टेंट है, इन पर फोकस करना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के फुल एक पर्सनल वीडियो के साथ, जूलॉजी के फुल एक पर्सनल वीडियो के साथ, और बॉटनी के फुल एक पर्सनल वीडियो के साथ। ध्यान रखना, फिर ये मत कहना कि हमको सिलेबस नहीं बताया, सेकंड ईयर वालों को तो भूल गए, फर्स्ट ईयर वालों को ही बता रहे हो, उनकी क्लास चला रखी है। सेकंड ईयर वालों, तुम तो मेरे पुराने विद्यार्थी हो, तो तुम्हारा तो पूरा ध्यान रखा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको जो है अपना जैसे ही ऐप आता है उसको डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। अलग अलग टीचर की व्यवस्था है, आपको फर्स्ट ईयर में तो अकेला मैं ही संभालता था, अभी तो अलग अलग टीचर की व्यवस्था कर दी है आपके लिए, और क्या चाहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।